हे गाइस, दिस इज अर्चना शर्मा. वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट. गुड मॉर्निंग टू ऑल. हाय, टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर अ लेक्चर रिगार्डिंग द पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट. एंड माय हियर आई एम रिप्रेजेंटिंग द अनदर टीचिंग मेथड विच नेम इज टीम टीचिंग. टीम टीचिंग को हम दल शिक्षण भी कहते हैं, समूह शिक्षण भी कहते हैं और टोली शिक्षण भी कहते हैं. टीम का मतलब ही समझिए आप लोग कि वहाँ पर एक या दो या तीन से भी ज़्यादा टीचर्स हो सकते हैं, कोई सिंगल टीचर नहीं होगा. ठीक है, तो टीम का मतलब ये हो गया कि एक पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होगी या पूरी टीम होगी, उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि टीम टीचिंग का कॉन्सेप्ट होता क्या है, कहाँ से आया है, क्या क्या प्रोसेस है इसकी, क्या मीनिंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नाउ स्टार्ट माई लेक्चर. इट वॉज फर्स्ट डेवलप्ड एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन 1955. ये सबसे पहले कहाँ डेवलप हुआ था? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1955 में डेवलप हुआ था. इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक जे फ्रीमैन डेवलप्ड एक स्कॉलर थे, साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने जो यूके में 1960 में इसको डेवलप किया था. कहाँ पे? यूके में. और इनका साइंटिस्ट, उनका नाम है जे फ्रीमैन. ठीक है, इन्होंने यूके में 1960 में डेवलप किया था. और वैसे तो अगर सबसे पहले बात की जाए तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1955 में स्टार्ट हुआ था. ठीक, उसके बाद धीरे धीरे ये प्रोसेस क्या हुआ, स्कूल और कॉलेजेस में भी स्टार्ट होने लगा टीम टीचिंग, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स भी हैं, नीड्स भी हैं फॉर द कोर्सेज एंड एक्सेट्रा. ओके, तो दिस इज द टीम टीचिंग कॉन्सेप्ट. अभी हम बात करते हैं कि इस टॉपिक में हम क्या क्या स्टडी करते हैं. तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे मीनिंग ऑफ टीम टीचिंग. ठीक है, सीक्वेंस में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले स्टडी जो होगी हमारी मीनिंग ऑफ टीम टीचिंग होगी. सेकेंड होगी हमारी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीम टीचिंग. थर्ड वन इज द प्रोसेस ऑफ टीम टीचिंग. नेक्स्ट वन एडवांटेज ऑफ टीम टीचिंग, डिसएडवांटेज ऑफ टीम टीचिंग एंड अल्टीमेट लास्ट द सजेशन फॉर द ऑल द थिंग्स. नाउ वी वुड स्टार्ट. फर्स्टली मीनिंग ऑफ टीम टीचिंग. मीनिंग ऑफ टीम टीचिंग क्या है? मैंने आपको बताया कि जहाँ पे दो या दो से ज्यादा टीचर्स होंगे टीचिंग प्रोसेस के लिए, सेम क्लास में सेम सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? टीम टीचिंग कहलाएगा. आई रिपीट इट अगेन, दो या दो से ज्यादा टीचर टीचिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे सेम टाइम में, सेम क्लास में और सेम सब्जेक्ट के लिए, वो होगी हमारी टीम टीचिंग. टीम टीचिंग से हमारे बहुत सारे बेनिफिट भी होते हैं. ठीक है, तो ये तो हमारा मीनिंग रहा. बेनिफिट की बात अगर हम करते हैं तो आगे पढ़ेंगे मेरिट में हम. टीम टीचिंग के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं. टीम टीचिंग क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ टीचर्स होने की वजह से क्लास में डिसिप्लिन में जो मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आती है वो काफी अच्छी हो जाती है. यानी कि बच्चे क्लास लार्ज नंबर ऑफ टीचर्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ क्लास डिसिप्लिन. तो जो ज्यादा टीचर होते हैं तो बच्चों को मैनेज कर सकते हैं. कभी कभी क्या होता है कि एक सिंगल टीचर केवल पढ़ाने में बिजी हो जाती है तो वो बच्चों को डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर पाती है. बट यहाँ पे दो या दो से ज्यादा टीचर हैं तो अगर एक दो टीचर पढ़ाने में बिजी हैं तो तीसरा टीचर क्लास को सुपरवाइज करके क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन कर सकता है. नाउ इन टीम टीचिंग लर्निंग एलिमेंट इंक्रीजेस. टीम टीचिंग का एक फायदा यह है कि जो आपका कंटेंट होगा, जो आपको पढ़ाने वाला कंटेंट होगा, वो काफी जल्दी कवर हो जाएगा. ठीक है, बेस्ट टीचर इज शेयर्ड बाय द स्टूडेंट. और जो फेवरेट टीचर्स होते हैं ना कुछ स्टूडेंट के, तो वो उन टीचर्स से पढ़ भी सकते हैं. जिस टीचर का जिसको अच्छा लगेगा वो आराम से पढ़ सकता है. ये तो हमारा हुआ मीनिंग. ओके, नाउ अनदर पॉइंट, वी विल डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीम टीचिंग. तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे? इट यूटिलाइजेस सर्विसेज ऑफ मोर देन टू टीचर्स. मैंने बात की कि ये दो से ज्यादा टीचर्स की सर्विस के बारे में बात करता है. नेक्स्ट है, इट इज अ इंस्ट्रक्शनल मेथड रादर देन अ ट्रेनिंग. ये क्या है? एक इंस्ट्रक्शन मेथड है ट्रेनिंग के कंपैरिजन में. यहाँ पे टीचर जो आ रही है टीम टीचिंग करने, वो क्या टीचिंग कर दे रही है, प्लान दे रही है? केवल इंस्ट्रक्शन दे रही है. ठीक है, वो ट्रेनिंग के माध्यम से नहीं है. ठीक, नाउ नेक्स्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द ग्रुप ऑफ टीचर. ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये डिपेंड करता है कि टीम टीचर्स का जो ग्रुप है टीम टीचिंग का, उस पे उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो अलग अलग एबिलिटी के हिसाब से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है. नेक्स्ट है, सेम टीम सेम ग्रुप सेम टॉपिक ऑफ द सेम स्टूडेंट. जिस भी क्लास में उसको जाना है तो वो सेम प्रेजेंटेशन देगा, अरे सेम टॉपिक पे पढ़ाएगा, सेम ग्रुप रहेगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट भी वही रहेंगे और उसकी टीम भी वही रहेगी. दूसरा है, इट इज ए कोऑपरेटिव टीचिंग. ये क्या है? एक तरीके की कोऑपरेटिव टीचिंग है जहाँ पे टीचर्स एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं. जिस टीचर में जो एबिलिटी है वो उसी के अकॉर्डिंग अपने काम को चूज कर लेता है. दूसरा है, नेक्स्ट है, रोल ऑफ टीचर डिपेंड्स ऑन देयर स्पेशल कॉम्पिटेंसी. जो यहाँ पे टीचर का रोल है वो अलग अलग स्पेशल कॉम्पिटेंसी के अकॉर्डिंग है. जैसे कोई टीचर बहुत ज्यादा अच्छा है एक्सप्लेनेशन में और कोई टीचर बहुत ज्यादा अच्छा है थ्योरी में, कोई टीचर बहुत ज्यादा अच्छा है प्रैक्टिकल करने में. तो जिसका यहाँ पे टीचर्स के लिए ये कन्वीनियंट रहता है कि जिसकी जैसी भी कैपेबिलिटी है या जैसी भी एबिलिटी है वो उस हिसाब से अपने पढ़ाने के फैक्टर को या फील्ड को चूज कर सकती है, चाहे वो प्रैक्टिकल हो चाहे
चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो टेस्टिंग हो, किसी का ब्लैकबोर्ड पे वर्क भी बहुत अच्छा होता है. तो दे कैन चूज देयर इंटरेस्ट, दे कैन चूज देयर अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ वर्क. ठीक है. नेक्स्ट है, टीचर्स नीड टू ज्वाइंटली असेस द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट. टीचर यहाँ पे इजिली कनेक्ट हो जाते हैं बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग, जिस बच्चे को या जिस ग्रुप को जैसा भी नीड है वो उसी हिसाब से उसको पढ़ा देते हैं. अगला है, हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेस. ठीक है, प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ टीम टीचिंग. तो इसमें जाहिर सी बात है, कोई प्रोसेस होता है तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. तो यहाँ पे जो स्टेप्स हैं वो तीन स्टेप ही हैं, बहुत सिंपल है टीम टीचिंग. पहला तो प्लानिंग है, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग है, और तीसरा है इवोल्यूशन. तो हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इवोल्यूशन को वन बाई वन थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. प्लानिंग में क्या करता है वो टीचर, और प्लानिंग में सबसे पहले वो ऑब्जेक्टिव बनाएगा कि किसी कंटेंट को उसको कैसे पढ़ाना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर कर देगा कि हमें ये टॉपिक पढ़ाना है तो हमें स्टूडेंट में क्या क्या ऑब्जेक्टिव को देखना है या क्या क्या ऑब्जेक्टिव को लाना है. नेक्स्ट है डिसाइडिंग द डिटेल्स ऑफ द मटेरियल टू बी टॉट. इसके बाद वो डिसाइड करेगा कि हमें वन बाई वन किस मटेरियल को पढ़ाना है, कौन से पॉइंट को पहले पढ़ाना है, कौन से पॉइंट को बाद में पढ़ाना है. नेक्स्ट है असाइनिंग ड्यूटी फॉर द टीचर्स. वो टीचर्स को अलग अलग ड्यूटी भी दे दी जाती है इसमें कि किस टीचर को क्या कंटेंट पढ़ाना है, किस टीचर को क्या देखना है. नेक्स्ट है सेलेक्टिंग द टीचिंग एड्स एंड द अदर इनपुट्स. जो भी वो टीचिंग मटेरियल पढ़ा रहा है उसके साथ वो क्या क्या टीचिंग मटेरियल एड यूज कर सकता है उसकी भी प्लानिंग कर लेते हैं वो लोग, और उसको सेलेक्ट कर लेते हैं. लास्ट है डिसाइडिंग द वेज एंड मीन्स ऑफ इवैल्यूएटिंग द स्टूडेंट परफॉर्मेंस. और बच्चों की परफॉर्मेंस को डिसाइड करने के लिए रास्ता भी निकाल लेते हैं और उसका मतलब भी निकाल लेते हैं. ये तो हमारी प्लानिंग हुई. प्लानिंग के बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग पे. तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, डिटरमाइन द लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन. सबसे पहले वो क्या करता है, जिस मीडियम में इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसके लेवल को डिटरमाइन कर लेता है. फिर इसके बाद क्या करता है, सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी. फिर अपनी बात को कहने के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी यूज करता है. यहाँ पे मेथड की बात हो रही है कि जो मतलब अच्छा मेथड, इफेक्टिव मेथड यूज करेगा ताकि बच्चे इस चीज को अच्छे से प्रॉपर सुने. ठीक है, तो वहां पे वो कोशिश करेगा कि डेमो मेथड यूज करे, चाहे लेक्चर मेथड यूज करे, लेक्चर कम डेमो यूज करे, कोई भी मेथड यूज करे. ठीक है, तो वो मेथड इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि कम्युनिकेशन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट बहुत इफेक्टिव हो जाए. नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ द लेक्चर बाय द मोस्ट कॉम्पिटेंट इन द टीचर टीम. तो जो जिस टीचर को लेक्चर प्रेजेंट करना है उसका एक्सप्लेनेशन कैपेसिटी बहुत अच्छा होना चाहिए कि वो प्रॉपर बोल सके. फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये चीज बहुत अच्छी हो जिसको भी लेक्चर देना है. फॉलो अप द वर्क, वो सारे वर्क को फॉलो करता है, मोटिवेशन प्रोवाइड करता है. फिर लास्ट में क्या होता है, बच्चों की एक्टिविटी को सुपरवाइज करते हैं. इवोल्यूशन में क्या होता है, सारी चीजें पढ़ाने के बाद लास्ट में वो क्या करता है कि क्वेश्चंस पूछता है, क्वेश्चंस को रिपीट करता है, आस्किंग ओरल क्वेश्चन, ओरल क्वेश्चन पूछता है, टेकिंग डिसीजन अबाउट द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, बच्चे की परफॉर्मेंस देखता है कि कौन सा बच्चा किस तरीके का क्या कर रहा है, किसने कितना गेन किया है. नेक्स्ट है डायग्नोसिस डिफिकल्टीज ऑफ लर्नर एंड रिजॉल्विंग देम. जो बच्चे ने पढ़ लिया है उसमें से क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं उनको पता लगाते हैं और उसको वहीं पे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट है मेकिंग नेसेसरी चेंजेस इन द प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन. अगर उन्हें उस टीम टीचिंग में या कुछ टीम टीचिंग में कुछ मैनिपुलेशन करने की जरूरत होती है तो वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं फंक्शन को. ये हो गया हमारा प्रोसेस. प्रोसेस के बाद अगर हम बात करते हैं एडवांटेज, एडवांटेज बहुत सारे हैं इसके. ठीक है, लेस वर्कलोड. जैसे अभी की बात करते हैं तो टीचर्स पे बहुत वर्कलोड है ना, लेक्चर मेथड से अगर टीचर पढ़ा रहा है तो उसको बहुत सारी चीजें भी करनी है, या किसी भी मेथड से पढ़ा रहा है तो नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं, बच्चों को नोट्स भी देना है, बच्चों की कॉपी चेक करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और सारा सिलेबस भी उसको टीचर को ही कराना है. तो वर्कलोड यहाँ पे बहुत कम है, लेस वर्कलोड फॉर एवरी टीचर, क्योंकि काम जो है वो टीम में डिवाइडेड है, थोड़ा थोड़ा काम सभी के पास है. ठीक है, जैसे एक ही सब्जेक्ट की बात की जाए तो उस सब्जेक्ट को अगर तीन टीचर पढ़ाएंगे मिलकर तो वो क्या होगा, टीचर्स का जो इवन सिंगल वर्कलोड होगा वो काफी कम हो जाएगा. तो यहाँ पे लेस वर्कलोड हो गया. दूसरा है स्टूडेंट टेक्स इंटरेस्ट. स्टूडेंट इंटरेस्ट लेते हैं कि छोटा छोटा कंटेंट एक ही पेपर के लिए पर्टिकुलर कोई टीचर ना हो के दो या तीन टीचर हैं तो बच्चा भी इंटरेस्ट से पढ़ लेता है. कभी कभी क्या होता है, बच्चे एक ही टीचर से पढ़ पढ़ के पूरा सिलेबस बोर हो जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है बेस्ट टीचर शेयर्ड बाय द स्टूडेंट. और टीचर्स जाहिर सी बात है कि हर स्टूडेंट का कोई ना कोई फेवरेट टीचर होता है तो बेस्ट टीचर भी उनको मिलता है. ठीक है, नेक्स्ट है इट गिव्स द अपॉर्चुनिटी टू यूज द डिफरेंट स्ट्रेटजी एंड टेक्निक. ये मेथड टीचर को एक एडवांटेज प्रदान करता है या अपॉर्चुनिटी देती है कि वो किस किस तरीके से डिफरेंट स्ट्रेटजीज को टेक्निक को यूज करके अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बना सके, अपनी टीम टीचिंग को इफेक्टिव बना सके. नेक्स्ट है कोर्स कैन बी कवर्ड बाय इजिली. जब एक ही पेपर को तीन टीचर मिलकर पढ़ाएंगे तो वो कोर्स सिंगल टीचर के कंपेरिजन में वो कोर्स ज्यादा जल्दी हो जाएगा. नेक्स्ट है गिव्स टाइम टू द टीचर टू प्लान हर सब्जेक्ट. और हर टीचर के पास पर्टिकुलर अपने सब्जेक्ट को पढ़ाने का, अपने कंटेंट को पढ़ाने का टाइम मिल जाता है, प्लानिंग हो जाती है उसकी, ऑर्गेनाइजेशन भी रहती है. नेक्स्ट है टीचर कैन
इजिली शेयर देयर आइडियाज एंड एक्सपीरियंस विद ईच अदर। टीचर आपस में एक दूसरे से आइडिया शेयर कर लेते हैं कि मेरी अंदर ये एबिलिटी है, मैं ये अच्छा कर सकती हूँ, सामने वाला ये अच्छा कर सकता है, एक्स वाई जेड। प्लानिंग भी बेटर हो जाती है, मोटिवेशन भी मिलता है और बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आपके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं टीचर्स के पास, वो इजिली उस चीज को कर लेता है। ये तो रहा एडवांटेज। एडवांटेज के बाद बात करते हैं हम डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज भी है कुछ ना कुछ। लैक ऑफ को प्लानिंग टाइम। मान लीजिए किसी कोई प्लानिंग टाइम में ये है कि जैसे कोई टीचर कुछ और प्लान कर रहा है, तो अगला टीचर वो प्लान को सुन लेगा या कर लेगा या एक्सेप्ट कर लेगा, एज इट इज पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे कॉपरेशन की थोड़ी सी टाइमिंग की कमी हो जाती है। ठीक है, कि मान लीजिए हमने प्लान किया कि हम फर्स्ट हाफ में पढ़ाएंगे, नेक्स्ट वाले ने प्लान किया सेकंड हाफ में, तो सेकंड हाफ वाला फर्स्ट में पढ़ाना चाह रहा, फर्स्ट वाला सेकंड हाफ में पढ़ाना चाह रहा, इस तरह की दिक्कत आती है। को प्लानिंग टाइम नहीं हो पाता है, सबका अलग अलग हो जाता है। ठीक है, डिफरेंसेस इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ द टीचर्स, और एक्सपेक्टेशन में भी डिफरेंसेस आ जाते हैं कि कोई टीचर से मान लीजिए बच्चा कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा है मगर वो कुछ और पढ़ा हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज भी हो जाती है। इसके बाद इंक्रीज स्टूडेंट डिपेंडेंसी। स्टूडेंट क्या करते हैं ना इस मेथड में, पूरी तरीके से टीचर पर डिपेंड हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए तीन टीचर हैं या दो से ज्यादा टीचर्स हैं, तो वो जाहिर सी बात है सारा कंटेंट टीचर देगा ही देगा, पढ़ा देगा। तो स्टूडेंट पूरी तरीके से टीचर पर डिपेंड हो जाते हैं, जो कि चाइल्ड सेंटर्ड नहीं हो पाता है, पूरी तरीके से वो टीचर सेंटर्ड हो गया। नेक्स्ट है नॉइस चैलेंज। एक साथ दो टीचर पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए एक टीचर एक्सप्लेन कर रहा है, दूसरा टीचर ब्लैक बोर्ड पर कर रहा है, तो इससे थोड़ा नॉइस की भी प्रॉब्लम आ जाती है। बच्चे बहुत हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, नॉइस क्रिएट करते हैं, तो ये इशू भी है एक तरीके से। डिमांड मोर टाइम एंड एनर्जी, तो इसमें बहुत सारी एनर्जी भी लगेगी और टाइम भी लगेगा। क्यों? क्योंकि एक साथ बहुत सारे लोग होते हैं, उनको भी प्लान बनाना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है, फिर इवोल्यूशन करना होता है, तो ये तीनों स्टेप तो उनको करने ही करते हैं, तो प्रोसेस भी काफी लंबा है, छोटा सा प्रोसेस नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम अल्टीमेट बात करते हैं सजेशन। तो सजेशन में हम क्या कह सकते हैं, टीचर्स मस्ट हैव अ सेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड डेडिकेशन। सजेशन ये हो सकता है कि टीचर्स के पास कोऑपरेशन होना चाहिए, कोऑपरेशन की फीलिंग होना चाहिए, और जो उसका फील्ड है, जैसे टीचर है तो बीइंग अ टीचर, उसको टीचर के प्रोफेशन के लिए डेडिकेशन होना चाहिए। ठीक है, टीचिंग एज अ प्रोफेशन ना देखकर वो डेडिकेटेड हो अपने काम के लिए। नेक्स्ट है ऑल स्टाफ मेंबर्स शुड बी रिस्पॉन्सिव टू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द अरेंजमेंट्स। तो सारे स्टाफ की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पे करे और अरेंज करे। एंड लास्ट है द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द इंटरेस्टेड टू द एजुकेटर्स शुड बी इन द लाइन एंड देयर क्वालिफिकेशन। तो कभी कभी ये भी होता है कि कोई किसी के पास क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा है, किसी की बहुत कम है, तो उनको भी एक लाइन के ऑर्डर में अपने हिसाब से काम करना चाहिए। नाउ दैट इज मोर अबाउट द टीम टीचिंग। इफ यू हैव सम प्रॉब्लम इन दिस लेक्चर प्लीज कमेंट इन माई कमेंट सेक्शन, दैट इज अबाउट द मोर अबाउट द टीम टीचिंग। अगर आपको इस टीम टीचिंग में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट। इसके बाद मैं नेक्स्ट मैथड डिस्कस करूंगी। थैंक्स ऑल अबाउट द मैथड, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।